धरना प्रदर्शन नहीं कर सकेंगे और ना ही कोई आंदोलन कर सकेंगे। अगले 3 महीने तक ये लागू रहेगा। इसमें परीक्षाओं के चलते सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। तो शिक्षक अब अगले 3 महीने तक किसी भी प्रकार का कोई प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे, चाहे वो संविदा शिक्षक हो, चाहे गुरुजी हो या फिर कोई और संगठन शिक्षकों का, किसी भी प्रकार का कोई प्रदर्शन नहीं होगा। एस्मा लागू कर दिया गया सरकार की तरफ से। और ज्यादा बातचीत के लिए सुधीर हमारे साथ जुड़ गए। सुधीर, यहाँ बोर्ड की परीक्षाएं नजदीक है और बाकी जो लोकल परीक्षाएं वो भी अब नजदीक ही है, ऐसे में सरकार के द्वारा एस्मा लगाया गया है। बिल्कुल, अगर बात किया तो पिछले 20 साल अगर बात किया तो ज्यादातर शिक्षक अपनी मांगों को लेकर हड़ताल में थे, जिसके चलते शिक्षण कार्य जो है काफी ज्यादा बाधित हुआ था। पर चूंकि अब परीक्षाओं का समय नजदीक है और अगले महीने से बोर्ड की परीक्षा भी शुरू होनी है, ऐसे में अब शिक्षा विभाग की ओर से निर्णय लिया गया है कि शिक्षकों को किसी भी तरह के धरना प्रदर्शन और हड़ताल की अनुमति नहीं दी जाएगी। और इसके मद्देनजर एस्मा जो है वो विभाग की ओर से लगाया गया है। सीधे तौर पर निर्देश जारी किए गए हैं कि अगर जो शिक्षक हड़ताल धरना प्रदर्शन पर जाते हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। और ऐसे में अगले 3 महीने तक जो परीक्षा की अवधि रहेगी, बोर्ड की परीक्षा भी शामिल है, तब तक एस्मा जो है लागू किया जाएगा और इस दौरान शिक्षकों के धरना प्रदर्शन पर पूरी तरह पाबंदी सरकार की ओर से लगाई गई है। शुक्रिया सुधीर इस तमाम बातचीत के लिए। तो सरकार की तरफ से एस्मा लगाया गया है, अगले 3 महीने तक किसी भी प्रकार का शिक्षक कोई धरना प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे।